वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट डोसे की रेसिपी। फ्रेंड्स, मार्केट में जाना मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से कोई मार्केट में नहीं जा सकता है और जो स्ट्रीट फूड है सारे बंद है, तो फिर आप क्या करें? अगर आपको बहुत ही अच्छा खाने का कुछ मन कर रहा है तो इस वीडियो को देख के जरूर से बनाइएगा अपने घर में डोसे, और वो भी एकदम क्रिस्पी। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करिएगा ही, वो आप बहुत कम करते हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट डोसा बनाने की रेसिपी। और फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट जो परफेक्ट डोसा का बैटर होता है उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे आई बटन पे क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे आपको सब बताए गए कि उस बैटर को आपको कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बैटर कैसे बनाते हैं। अभी आप देख सकते हो बैटर हमारा बहुत ही ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून जितना पानी। पानी डालते ही हम इसे घुमा लेंगे। अभी ये बैटर एकदम परफेक्ट है। इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ले रही हूँ क्योंकि ये पूरा जो बैटर है बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट नमक डाल सकते हो इसमें। इसे एक ही पोर्शन में हमें हिलाना है, घुमाना है, तो रेडी है। अब हम बना लेते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए हम एक पैन रख देंगे, इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल, फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है मैंने। उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों के दाने। इसके बाद इसमें हम डालेंगे करी लीव्स। करी लीव्स डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज। तो ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं और इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, इसे हमें पिंक कलर आ जाए तब तक पकाना है, ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना नमक। नमक डालने से क्या होता है, हमारा प्याज जल्दी से सोटे हो जाता है, इसी वजह से मैं नमक पहले ही डालती हूँ। और थोड़ा सा मैं नींबू का पानी डाल दूंगी, नींबू का रस 1/2 टेबल स्पून जितना नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। ये हमारे पिंकिश कलर के हो गए हैं, आप देख सकते हो प्याज। तो इसके बाद हम मसाले डालेंगे हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर मैंने डाला है, और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्ची और कोथमीर की पेस्ट, धनिया की पेस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये पेस्ट को मैं बना के रेडी करके रखती हूँ अपने घर में, तो ये 1 महीना तक आराम से चल जाती है मुझे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, थोड़ा सा टमाटर को सोटे कर लेंगे हम, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। हल्दी मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून जितनी डाली है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालने हैं थोड़ा सा धनिया, और मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया है और आलू को रफली मैश कर लिया है। ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़े से बड़े टुकड़े होने चाहिए, थोड़े से मैश होने चाहिए, इस तरह से ही आलू को हमें मैश करना है, प्रॉपरली मैश नहीं करना है हमें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसके ऊपर कोट हो जाए। इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला है। पानी डालने से क्या होता है, आपका जो मसाला है वो नीचे से चिपकता नहीं है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला। मेरी जो स्पून है बहुत छोटी है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और थोड़े से ओनियन डाल देंगे, ग्रीन ओनियन, इसको हम कांडे की पात भी बोलते हैं। बाद हम डालेंगे धनिया की पत्ती, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कोथमीर बहुत ही टेस्टी लगता है इस स्टफिंग को करता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कोथमीर का यूज़ ज़्यादा किया है। अभी मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें मेरा बाकी है जो मैं डालूंगी, जो मुझे हर एक सब्जी में या स्टफिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर डालूंगी कसूरी मेथी, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को डाल दूंगी। अभी हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं, तो एक पैन ले लेंगे डोसा पैन,
उस पर पानी डाल देंगे। उसके बाद एक साफ़ कटके से इसे हम साफ़ कर देंगे और फिर हम बैटर को फैलाएंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, इस तवी पे हमें तेल ऑयल का लगा ऑयल लगाना नहीं है, ऑयल ग्रीस नहीं करना है, डायरेक्टली इस स्टफिंग को इसे हमें लगाना है। तो पहले हमें इस तरह से इसे घुमाना है। ऐसी गोल वाली जो चम्मच आती है उसी से हम ये डोसा बना सकते हैं। बीच में थोड़ा मोटा रह जाता है तो इसे इस तरह से आप कवर कर लो और साइड की किनारी थोड़ी सी मोटी ही रखे, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी मोटी रखे, ताकि आपको जब डोसा निकालते वक्त डोसा टूट ना जाए। क्योंकि अगर आप साइड की किनारी पतली करते हो, एकदम पतली करते हो, तो हमारा डोसे को निकालना मुश्किल रहता है। अभी इसे हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे। तो एक तरफ हमारा डोसा अच्छे से सिक गया है, तो हम पैन को खिसका के डोसे को सेक लेंगे। अभी हम इस तरह से इसे निकालेंगे, हल्के हाथों से इसे हमें निकालना है। और हमने जो स्टफिंग बनाया है वो एक तरफ से इस तरह से डाल देंगे और फिर हम डोसे को राउंड कर लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से डोसे को राउंड करना है ताकि हमारा डोसा टूटे ना। मार्केट में मिलने वाले आलू डोसे जो मिलते हैं वैसे ही स्पेशली वैसा ही टेस्ट इस डोसे में लगता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, डोसे का जो सांभर होता है, जो सांभर के साथ डोसा खाया जाता है, तो सांभर की रेसिपी आप मेरी आई बटन पे क्लिक करके सांभर की रेसिपी आप बना सकते हो। और जो चटनी है उसकी रेसिपी भी आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो के ऊपर आई बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो रेडी है हमारा डोसा, आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग मार्केट जैसा ही डोसा बनके रेडी हुआ है। ऐसे ही हर एक डोसे मैंने बना लिए हैं और सर्व करेंगे हम इसे सांभर और चटनी के साथ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनी है। अभी दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप जो मेन डोसा बनाते हैं वैसे अलग अलग स्टाइल में डोसा कैसा बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैटर लगाऊंगी और इसे इस तरह से घुमा लूँगी। अभी कौन डोसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो कौन डोसा आप कैसे बना सकते हो वो भी बताती हूँ। तो इस तरह से स्प्रेड कर दो इसे और थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दो, ऊपर डाल दो। इसके बाद एक चाकू लेंगे और चाकू से हम इसे कट करेंगे। थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हमें कट करना है, पहले कट नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा पक गया है, उसके बाद मैं इसमें कट लगाऊंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, डोसे को परफेक्टली सेकना है। तो इस तरह से सिक जाए उसके बाद इसे हल्के हाथों से इसे निकालना है। अब इस तरह से हल्के हाथों से इसे निकालना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। ज़्यादा जल्दी करोगे तो ये टूट जाता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हम कोन बना लेंगे, कोन शेप दे देंगे इससे। ये दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है और सांभर के साथ ये कोन डोसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसे घुमा लेंगे और फिर ये कोन डोसा भी रेडी है हमारा। इस तरह से हमें इसे सर्व करना है। थर्ड, हम प्लेन आप कैसे बना सकते हो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो तवी को हम ठंडा करेंगे, एक कटके की हेल्प से साफ़ कर देंगे। उसके बाद फिर से बैटर को डालेंगे और हम प्लेन डोसा बना लेंगे। तो प्लेन क्रंची आप कैसे बना सकते हो, तो बड़ा सा डोसा स्प्रेड करेंगे, बैटर स्प्रेड करेंगे, उसके बाद उस पर ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से सेकने देंगे ताकि हमारा जो डोसा है वो एकदम क्रंची बने और हाथ लगाते ही टूट जाए वैसा बने। इसको सभी तरह सभी साइड से अच्छे से सेक लेंगे हम फ्लेम के हिसाब से और इसे हल्के हाथों से निकाल लेंगे। ये प्लेन हमारा थोड़ा पतला बना है तो इसे एकदम हल्के हाथों से हमें निकालना है। और इसे हम सर्व करेंगे। तो हमारा प्लेन भी रेडी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और इस लॉकडाउन के माहौल में ये ऐसी रेसिपी ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि इसमें नो ऑयल है, ऑयल बहुत ही कम है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो व्यूअर्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा बाय बाय। थैंक यू।